जानवर या मोर दिखेगा तो बताना, ठीक है? रुपये नहीं है, भालू तेंदुआ होगा। हाँ, नहीं है भालू और तेंदुआ। हाँ, और हम लोग मोर भी देखे थे, कैसा मोर है इधर? मोर है, बहुत मोर है, बहुत है। अच्छा, हम लोग को एक ही दिखा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? हम लोग अभी सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप और इससे नीचे हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे पूरा फिसलन है पत्थर पे और ये नया हिडन वाटरफॉल है। दोस्तों नमस्कार, मैं सोमेश ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, अभी एक हिडन वाटरफॉल है, आप लोग बने रहिए। दोस्तों हिडन वाटरफॉल है, आप लोग बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि रास्ता एकदम मुश्किल भरा था। हम लोग आ चुके हैं एक खतरनाक जगह में, यानी तीन स्टेप में झरना यहाँ पे गिरता है, तो बने रहिए दोस्तों। आप लोगों को बस दिखाते जाता हूँ यहाँ का जगह। हम लोग अभी नीचे में उतरे हुए हैं, देख सकते हो आधे में, और देख लीजिए यहाँ का नज़ारा और जंगल के बीचों बीच झरना। यहाँ नीचे वाटरफॉल है, यानी कि ऊपर से सेकंड स्टेप में नीचे गिर रहा हुआ है, गिर रहा है और हम लोग जा नहीं पा रहे, एंगल नहीं मिल रहा है हम लोग को वीडियो बनाने के लिए। और ये क्या है, अभी पानी बारिश हो गया ना, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। और आप लोगों को इस तरफ दिखाऊं कि नदी बह रहा है बहुत ही, देख लीजिए उस तरफ नदी है, पूरा इंद्रावती नदी है। दोस्तों हम लोग चित्रकूट के और नीचे जो बीजा कैसा वाला वाटरफॉल था उसके उतरते हैं, उसके बाद फिर और नीचे पे आए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज नया वाटरफॉल जो हिडन वाटरफॉल है उसे ढूंढने और ढूंढ तो लिए हैं, और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। उस तरफ इंद्रावती नदी है, ठीक है, वो जो बह रहा है, और हम लोग इस तरफ है उसके साइड में। बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ का देख सकते हैं, लेकिन अभी पानी कम है और हम लोग को यहाँ शूट करने के लिए एंगल नहीं मिल रहा है क्योंकि ऐसा खड़ी चट्टान से सीधा गिरता है पानी, और सेकंड है थर्ड है, और यहाँ पे क्या है हम लोग वीडियो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि फिसलन है पत्थर पे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग पूरा वाटरफॉल के नीचे नहीं जा पा रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर रास्ता मिलता है तो हम लोग नीचे उतरेंगे, ठीक है। और हमारे रुपेश भैया भी वहाँ पे हैं, रास्ता देख रहे हैं, ठीक है, और अगर मिलता है वहाँ पे तो हम लोग नीचे पूरा दिखा रहे हैं। फिसलन है पत्थर पे और ये नया हिडन वाटरफॉल है दोस्तों, इसे बहुत प्यार देना ऐसे ही। और जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कमेंट करके बताना और कहाँ का वीडियो देखना है आप लोगों को। तो दोस्तों हमें गांव के भैया मिले और वो हमें लेके जा रहे हैं खूबसूरत से वाटरफॉल पे, और ये भी कचिंगा वाटरफॉल के समीप ही हैं, लेकिन ये बिल्कुल हिडन है दोस्तों। और इस वाटरफॉल का वीडियो आपको पहले कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ये पहली बार है जब हमें हमारी जोड़ी एक बार फिर से जगहों को घूमने में लगी हुई है। तो सामने देख सकते हैं भैया फिलहाल, तो हमारे साथ यहाँ के क्या नाम है दादा आपका बताओ? कमलू। कमलू, कमलू जी हैं, और ये हमें वाटरफॉल नीचे में लेकर आए घुमाने। और अब क्या बोलते हैं घूमर को, क्या है झरना, क्या है? कचेंगा घूमर झरना। कचेंगा झरना,
ठीक है, और इसके बारे में बताएंगे कुछ, पानी बरसात में कैसा है? बहुत है बरसात के समय, पानी बहुत अच्छा है। हाँ, नीचे आने होता है बारिश में? नहीं होता है, होता है, थोड़ा फिसलन रहता है। हाँ, यानी खतरनाक है। हाँ, और ये इतना जंगल है तो यहाँ जंगली जानवर लोग का कुछ खतरा है या कैसा घूम सकते हैं? यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन पशु जानवर बड़ा कम नहीं है, भालू तेंदुआ होगा, हाँ, नहीं है भालू और तेंदुआ। हाँ, और हम लोग मोर भी देखे थे, कैसा? हाँ, मोर है इधर? मोर है, बहुत मोर है, बहुत है। हाँ, अच्छा, हम लोग को एक ही दिखा है, अभी देखते हैं। और आपके गाँव का नाम क्या है? गाँव चित्रकोट है, पारा मेनका डोबरा है। मेनका डोबरा पारा, और गाँव चित्रकोट में। और ये जो घूमर है, ये झरना है, इसका नाम क्या अभी है? इसका है कचेंगा झरना। कचेंगा झरना, इसके जस्ट ऊपर में, झरना के ऊपर में आपका खेत भी है ना भैया? हाँ, खेत भी है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, कभी भी आप लोग आए तो नए हैं, और अगर रास्ता भटक जाए, आप लोगों को समझ नहीं आए कि जलप्रपात किस तरफ से जाना है, तो ये भैया को आप लोग हमारे वीडियो पे देख सकते हैं, और इनका नाम पता पूछकर आप उस गांव से भैया को लेके आ सकते हैं साथ में। और अगर आप लोग इन्हें भैया को लाएंगे तो थोड़ा सा इनको मेहनत आना। आखिरकार हम लोग इस झरने के नीचे आ गए हैं, हम लोग घूमते हुए पूरे एक हमारे दाएं यहाँ मिल गए और घुमाए पूरा, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है। हम लोग अभी हैं कचेंगा झरना, जो कचेंगा वाटरफॉल है वहाँ पे, और कार बाहर भी बोलते हैं इस गांव में, कई लोग इस नाम से भी जानते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन थोड़ा जंगली एरिया है, आप लोग बच के रहिएगा। हम लोग सुबह से इस झरने की खोज पे निकले हुए थे, आखिरकार पहुँच ही गए, और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और ये हिडन है दोस्तों, अभी तक यहाँ पे किसी ने यहाँ वीडियो बनाया नहीं है अभी तक। आप लोग देखिए और यहाँ पे आइए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। लेकिन आंगनबाड़ी के पास में अगर आप लोगों को कोई मिलता है गांव वाला तो लेके आइए, ठीक है? आप लोगों को रास्ता मैं दिखा दूँगा। ये वाटरफॉल और हिडन है, अभी तक किसी ने शूट नहीं किया है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। जय जुआर, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, फिर मिलेंगे।